सो गाइस आज हम लोग भाई जा रहे हैं बिथुना से वृंदावन। और मौसम एक बार आप लोग देख ही पा रहे होंगे पीछे क्या वीआईपी मौसम हो रहा है। पीटी तो यार हम तो यार एक बंदा और था अपने साथ लेकिन भाई वो धोखा दे गया। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे यार, कोई बात नहीं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज हम लोग भाई जा रहे हैं बिथुना से वृंदावन। किससे जा रहे हैं वो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं। वैसे बता दे रहा हूँ आपको, ये भाई खड़ी है ना सामने, ये प्लेटना, इससे भाई चल रहे हैं हम लोग वृंदावन। और साथ कौन चल रहा है, वो तो सामने खड़ा है अपना अश्विनी, ठीक है भाई। तो यार हम लोग पहली बार इतनी दूर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं भाई बाइक से, और वो भी प्लेटना से, ठीक है। तो आप लोग मज़ा लीजिए केवल, और हम लोग चलते हैं आपको पूरा दिखाएं, कम से कम तीन चार वीडियो अपने आने वाली हैं, ठीक है। और भाई हम लोग बिथुना से निकले 2 बजे, करेक्ट 2 बजे निकले थे, और यहाँ पे आते आते भाई वो लग गया है घंटा अपने को, ठीक है। ये आप लोग एक्सप्रेस वे देख पा रहे हो, ये भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, और इसका कट भाई 17 किलोमीटर दूर है अभी। तो चलते हैं, और मौसम एक बार आप लोग देख ही पा रहे होगे पीछे, क्या वीआईपी मौसम है भाई, सबसे बढ़िया मौसम यही है घूमने का। तो हम लोग उठाई गाड़ी और चल दी भाई। पीटी अपना रैंडम प्लान कैसा लगा, मज़ा आ गया? और हमेशा सही भाई, कोई प्लानिंग नहीं रहती पे। पीटी तैयार, हम तैयार, एक बंदा और था अपने साथ लेकिन भाई वो धोखा दे गया। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे यार, कोई बात नहीं। एक तो निकलते ही भाई भूख लगाई थी, तो यहाँ पर हम लोगों भाई कुछ खाया पिया भी बढ़िया, ठीक है। और सामने आप लोग देख पा रहे हो एक्सप्रेस वे है, तो चलते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी ये लिए रास्ते में, और अभी ये खाते हैं, और उसके बाद भाई चलते हैं। ये लोग देख लो भाई सामने, और अभी बारिश भी बंद होगी सामने भाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है अभी। और अपनी बाइक भाई कहाँ खड़ी है, ये भाई ये रही बाइक, ठीक है। पहुँच जाएंगे 8:30 8:30 बजे तक वृंदावन में हम लोग होंगे, उससे पहले ही बल्कि। घूमने का देखो, बाइक से घूमने का असली मज़ा बरसात में है, ठीक है। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं, और जाने का प्लान है, आने का कोई प्लान नहीं, कब आएंगे वो देखे जाए, देखी जाएगी। पहले पहुंचने तो सही से, और घूमने तो देखो, आज का प्लान ये है, आज हम लोग भाई रूम लेके सबसे पहले परिक्रमा लगाने चलेंगे। पहली बार हम लोग गए कब लगाई थी भाई, कितने किलोमीटर की? 18 किलोमीटर परिक्रमा, लेकिन अब की बार भाई सबसे बड़ी जो परिक्रमा है चंद पर्वत की है, तो वो लगाएंगे चल के। तो देखते हैं भाई, चलते हैं, चलो। तो भाई अभी जहाँ पर हम लोगों ने भाई स्टॉप लिया है ना, यहाँ से आगरा केवल 70 किलोमीटर दूर है। तो एक बार रुकेंगे इस आगरा में, और आगरा से 57 किलोमीटर वृंदावन पड़ता है, ठीक है। तो फिर आगरा से बिना रुके सीधी दबाएंगे गाड़ी वृंदावन के लिए, तो वहीं पे रुकेंगे चल के, और देखते हैं भाई मथुरा चलते हैं कि नहीं चलते हैं, देखो देखते हैं भाई, और देखते हैं भाई पहले मथुरा चलेंगे उसके बाद वृंदावन चलेंगे। और भाई एक बार आप मौसम देख लो भाई, थोड़ी सी धूप निकली है, थोड़ी सी बस, इतनी धूप तो अच्छी है, इससे ज़्यादा धूप भाई सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है, ठीक है। धूप तो चलती है, चलो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं, यहाँ से बस एग्जिट करना बाकी है एक्सप्रेसवे से,
तो 2-3 किलोमीटर दूरी पर एग्जिट है, तो वहाँ से एग्जिट करके फिर भाई चलते हैं मथुरा, और मथुरा से सीधा चलते हैं वृंदावन। मथुरा में ज़्यादा रुकेंगे नहीं, देखते हैं जन्म भूमि अगर घूमेंगे तो चलेंगे, नहीं तो भाई सीधा वृंदावन, वृंदावन में स्टे करेंगे चल के और आज ही परिक्रमा लगाएंगे चल के, ठीक है। और भाई घर से निकले थे 2 बजे और अभी बज रहे हैं 7, तो 2-3-4-5 तो 5 घंटे भाई, 5 घंटे का सफ़र अपना रहा है बदूना से मथुरा तक का। और आपको लग रहा होगा भाई इतनी दूर आए हम लोग की थकान होगी, भाई 1% की भी थकान अकान कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। ट्रेन से आते थे और बस से आते थे भाई, उससे तो भाई लाख गुना बेटर लगा बाइक से, क्यों पीटी, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं सफर और आप जब सीधा मिलते हैं मथुरा में, ठीक है। तो गाइस यार अभी हम लोग भाई फाइनली प्रॉपर वृंदावन में एंटर कर चुके हैं और अभी आप लोग के सामने भाई रोड देख पा रहे हो, ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है भाई, परिक्रमा मार्ग है जो कि 7 किलोमीटर की परिक्रमा यहाँ पर भाई लगाई जाती है, ठीक है। और भाई पिछली बार जब हम लोग आए तो यहाँ पर 7 किलोमीटर हम लोगों ने परिक्रमा लगाई थी, लेकिन आप लोग अब की बार प्लान हो जाता है, अब की बार भाई लगाएं गोवर्धन की परिक्रमा जो सबसे बड़ी 21 किलोमीटर की है, तो वहीं चल रहे हैं अभी, ठीक है। और सबसे पहले भाई कोई रूम देखते हैं बढ़िया और कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं। रूम में चेक इन कर लिया है, ठीक है। अभी भाई निकले खाना पीना खाने के लिए, उसके बाद भाई निकलेंगे परिक्रमा लगाने के लिए। और भाई खाना खाने कहाँ पे आए हैं ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सामने बोर्ड लगा है भोजनालय, तो एक लोगों ने रिकमेंड किया था कि भाई यहाँ पे जाना, खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो चल के दिखाते हैं आपको कैसा क्या खाना है, ठीक है। भाई आपको खाने में बताते हैं क्या क्या, ये भाई खीर है और ये बेसन की सब्जी, ये दाल सूखी सब्जी, पापड़ रोटी मिर्च चटनी सलाद और चावल ऊपर से हैं, चावल अभी भाई बाद में मंगाएंगे जब खा लेंगे इतना, तो भाई इतना मेन्यू है अपना। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यार अभी सुबह हो चुकी है और भाई नहाने धोने का कुछ सामान लेके आए थे अपने साथ में, और भाई अभी चल रहे हैं रूम पे और रूम पे नहाते धोते हैं, उसके बाद चलते हैं बांके बिहारी मंदिर, लेकिन वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कल यार परिक्रमा लगाई थी रात में वृंदावन की परिक्रमा, वहाँ पे भाई पता नहीं पिछली बार जो लगाई थी तब तो लग गई थी आसानी से, लेकिन इस बार भाई पता नहीं क्या हो गया आधी रास्ते में पैर बोल गए, ठीक है। तो भाई अभी एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।